हाल ही में गोंदिया जिले के लड़की पर एसिड अटैक हुआ है। महिलाओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सख्त कानून बने, इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है विधायक विनोद अग्रवाल से। देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। सवाल हमारे साथ है विधायक, ये इनसे हम जानेंगे कि जो गोंदिया जिले की लड़की है उस पर एसिड अटैक हुआ है और वो अटैक में वो बुरी तरह से घायल है, क्या किस तरह से आपने इस मुद्दे को सभागृह में पेश किया है? मैंने माहिती के माध्यम से सभागृह के ये बात ध्यान में ला करके दी है कि कल एक दलित लड़की के ऊपर में, कॉलेज में सीखने वाली तरुण लड़की के ऊपर में एसिड का अटैक हुआ है और यह बहुत ही गंभीर बात है। इसके पहले भी गोंदिया में 3 दिन पूर्व एक युवा लड़के की अपहरण करके हत्या की गई, उसके 1 महीना पूर्व एक अल्पवयीन लड़के की, 2 अल्पवयीन लड़कों ने हत्या की और इस प्रकार से गोंदिया में कायदा सुव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इसके तरफ में पुलिस विभाग का, प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है और मुझे लगता है कि अब जनता बहुत आक्रोश में आ चुकी है और कोई भी अनहोनी न हो इसलिए समय रहते हुए प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये जो कायदा और सुव्यवस्था बिगड़ चुकी है, इसके लिए आपको क्या लगता है किस तरह की उपाय योजना होनी चाहिए और जिस तरह से लड़कियों पे या महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं या एसिड हल्ले हो रहे हैं, तो ये रोकने के लिए क्या सरकार द्वारा कोशिश होनी चाहिए, किस तरह से कानून बनना चाहिए, क्या लगता है? पुलिस विभाग के पास में अपने खुद के अनेक तंत्र रहते हैं और मुझे लगता है कि जब जब भी अनेक प्रकार के अवैध धंधे बढ़ते हैं और उसमें से जो समाज की जो यानी बुराइयां रहती है वो सामने में आती है, तब निश्चित तौर पे जब प्रशासन का अंकुश पूरी तरह से प्रशासन से हट जाता है, निरंकुश हो जाता है प्रशासन, तब ये घटनाएं में वृद्धि होती है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे तो हमने देखा है कि ऐसे अनेक अधिकारी पुलिस महकमे में हैं, विभाग में हैं, कि जब जब वो जहाँ जहाँ पर भी गए उन्होंने इन सब चीज़ों में, इन घटनाओं में कमतरता लाने का काम किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर चुस्त दुरुस्त अगर विभाग रहे, पुलिस का महकमा रहे, तो ये सब घटनाओं में हम निश्चित तौर पे कमतरता ला सकते हैं। थैंक यू। निश्चित ही जो है कानून में अगर चुस्त दुरुस्तियाँ हो तो जो कानून व्यवस्था है वो ठीक से चलेगी, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़ागढ़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।